जी 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 मैं चलता हूँ। ठीक है साले साहब। ठीक है साले साहब। और प्रकाश आइए। जीजा जी कैसे हैं? अच्छा हूँ। काम हाँ, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा हूँ। घर में कोई नहीं है? नहीं क्या? है ना भाभी। जीजा जी आए हैं। हाँ, अभी आती हूँ। अरे अरे कैसे हैं भैया? कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, तुम सब कैसे हो? हाँ। बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ, बैठो ना बैठो। हाँ। और साले साहब? बहुत अच्छा है। और सुनाओ ट्यूशन कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग अचानक कैसे आज? अरे एक छोटी सी खुशखबरी है, वही बताने के लिए आए हैं। पहले पानी पी लीजिए, बाद में आराम से बातें करना। हाँ, हाँ पी लीजिए। मुझे दे मंजू। ये लीजिए। दीदी और जीजा जी नहीं दिख रहे? 100 साल की उम्र है, आ गए तुम्हारे जीजा जी। अरे बहनों जी आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ भैया। कैसी हो बहन? हाँ अच्छी हूँ। बैठो बैठो। हाँ और बताओ। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और अब मैं सुधर गया हूँ और आज के बाद आपकी बहन को तंग नहीं करूँगा। अब आप पुरानी बातों को दिल से निकाल दीजिए। ये भी कोई कहने की बात है क्या? हम लोग सब एक हैं, मैं तो भूल भी चुका हूँ। चिंता मत करो, आगे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बस आपने जो 2 लाख रुपए दिए थे उससे 10 एकड़ जमीन बुआई के लिए ली है। कल अच्छा दिन है इसलिए बुआई शुरू करना चाहता हूँ। मुझे आप पे बहुत गर्व हो रहा है। जीजा जी हम जीने के लिए कितने लोगों पे निर्भर होते हैं, लेकिन खाने के लिए किसानों पे ही निर्भर होना पड़ता है। आज के जमाने में लोग अपनी जमीनें बेच के शहर में चले जाते हैं ज्यादा कमाई के लिए, लेकिन आपने खेती की, बहुत अच्छा किया। इससे आपके मन को शांति मिल रही है और आप अपने परिवार के भी करीब हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं क्लास लेने आया हूँ। उधर देख चिड़िया उड़ने वाली है। बकवास मत कर, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जा। एक बात बोल देता हूँ, बीच में बोलेगा ठीक नहीं होगा। बसंती उठो। क्या है पिंटू? मेरे सवाल का सही सही जवाब देना। पूछ लो देखते हैं। अरे ये कर क्या लिख रहा है? शुतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं? ये तुम क्या पूछ रहे हो? शुतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं मुझे कैसे पता? ऐसे हार मत मानो, सोच के बताओ। मैं बताऊं? कौन बोला रे? सर इसको शुतुरमुर्ग बना देंगे। हाँ, अब इसकी। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। शुतुरमुर्ग के कितने पैर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल लिखा है। आज सब प्रेजेंट है ना? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है। आज का पाठ पिंटू ने शुरू ही कर दिया है तो हम इसे ही आगे बढ़ाते हैं। क्यों भाई पिंटू, इन सब बातों में तो तुम बहुत आगे हो लेकिन पढ़ाई में जरा भी नहीं। चलो बैठ जाओ। इस सवाल का आंसर कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करें। कोई नहीं जानता? नहीं सर, नहीं पता। नहीं जानते सर। परेशान कर दिया। सच कहूं तो मैं भी इसका उत्तर नहीं जानता। मेरी दीदी ने घर में पूछा। क्या बकवास कर रहा है? तेरी दीदी ने कहा और तू हमसे पूछने के लिए आ गया? भुवना तुम भी नहीं जानती क्या? जानती हूँ लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी और आप जवाब देंगे, उसी के बाद मैं इस सवाल का जवाब दूंगी सर। ठीक है पूछो। आते हो जाते हो मेरे कारण, आए हैं निरीक्षण करने वाले मेरे कारण, अब बताइए क्या है? आते हो जाते हो मेरे कारण, आए हैं निरीक्षण करने वाले मेरे कारण। अच्छा है, तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे पता है लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब तुम जानती हो कि नहीं ये देखते हैं। पहाड़ों में उगने वाले फूल अगर मुझे छुआ, मुझे स्पर्श किया तो वो गया, बताओ क्या है? क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हमारे सर कुछ पूछ रहे हैं, भुवना कुछ पूछ रही है और तुम कुछ पूछ रहे हो, यहाँ पर चल क्या रहा है? मेरे और भुवना के सवाल तुम्हें नहीं पता है तो कम से कम पिंटू के सवाल का ही आंसर दे दो। इसका तो सर को जवाब पता है। देख तो सही क्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब कोई जानता है? मैं बताती हूँ लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जवाब मैं कल दूंगा, आज की क्लास खत्म होती है। चलो चलो क्लास खत्म हो गई, चलो यहाँ से। चलो चलो। क्यों भूमना, मेरी जोड़ी तैयार है? बस तैयार हो रहा है, तुम देखोगे ना तो विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल लड़की लग रहा है। सच कह रही हो? हाँ सच में पिंटू। तुम तो सेट हो गए हो लेकिन तुम्हारे लिए वो पिंटू सेट नहीं हुआ है। छोड़िए सर, मेरे लिए तो पिंटू सेट हो गया है। मैं मेकअप की बात कर रहा हूँ यार, ये भी ना। सॉरी भुवना। सब लोगों को मेरा विनम्र प्रणाम। आज हम यहाँ शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रेम जी मौजूद हैं। हम उनका यहाँ पे अभिवादन करेंगे। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। सबको मेरा नमस्कार। होनहार छात्रों के पीछे स्कूलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसमें आपके शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनको धन्यवाद देने के लिए ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है ताकि हम उनके सहयोग को समझ सकें। अब सभी स्कूली छात्र छात्राओं को मुफ्त में किताबें बांटी जाएंगी, उसके बाद कला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा अनुरोध है कि सब उसे जरूर देखें। आइए सर, आइए आइए सब लोग। लो बेटा, आओ आओ जल्दी आओ। लो बेटा, देखो लड़की का बाप होकर कितने आराम से बैठा है। कैसे हो? अरे हो हो, कैसी हो बहन? अब बैठो बैठो। लक्ष्मी चटाई लेकर आओ। कोई बात नहीं, वो आ रही है, मैं बिछा लूंगी। अच्छा ठीक है। और भाई सब ठीक है ना? हाँ। और आप? अच्छा है। बढ़िया, मैं अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये क्या, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो बेटा? खाना वाला ठीक से नहीं खा रही हो क्या? अरे तुम ये क्या कह रही हो, वो पहले से इतनी मोटी है और उसे तुम खाने के लिए कह रही हो? सिर्फ मैं ही मोटी हूँ क्या, तुम मोटे नहीं हो?
ये देखो दोनों फिर शुरू हो गए। अनुमति जिस काम से आए हैं वो तो बताओ, सुनकर खुशी होगी इसे। ऐसी कौन सी बात है जो बताने के लिए आए हैं? बात ये है कि मेरा बेटा पुलिस की नौकरी में लग गया है, अब चाहता हूँ इसकी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊँ। ये जिम्मेदारी मुझे ही तो निभानी है। अरे ये क्या कह रहे हो, ये तो पहले ही तय हो गया था कि भुवना की शादी सेतुपति से होगी। बस इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो। अरे पढ़ाई का क्या, इसकी शादी हो जाएगी, आगे मैं ही पढ़वा दूंगा। ठीक है भैया, आप क्या सोच रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। भैया ठीक कह रहे हैं, शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर लेगी। चलो जैसी सबकी मर्जी, अच्छा दिन देखकर अच्छा मुहूर्त देखकर शादी करा देते हैं। अब तो खुश है ना? क्यों तुम भी खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। शादी की बात सुनकर देखो कैसे शर्मा के अंदर चली गई है। ये क्या भुवना, हमें मंदिर बुलाकर तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? मेरी शादी सेतुपति से होने जा रही है। ये तो अच्छी बात है, वो पुलिस में है, देखने में भी अच्छा लगता है, तुमसे प्यार भी बहुत करता है, और क्या चाहिए। ए, ये तू क्या कह रही है हा? आगे पढ़ना चाहती है ये, ऐसे में शादी के लिए कैसे तैयार होगी? और वो लोग तो इसे शादी की बात बढ़ाने के लिए भी तैयार है ना? तो क्या तू उससे ही शादी करने वाली है? नहीं, मैं अपने सर से प्यार करती हूँ। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ और उनसे ही शादी भी करना चाहती हूँ। ये बात तुम्हारे पिताजी को पता चली तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे, एक बार सोच लो फिर से तुम। इस मामले में मेरे पिताजी तो क्या, भगवान भी आ जाए ना तब भी मैं फैसला नहीं बदलूंगी। तुम लोग कुछ भी कह लो पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम कुछ कहेंगे तो ये हमारी बात थोड़ी ही ना मानने वाली है। अगर तुम्हें अपनी मर्जी की ही करनी है तो करो, पर हमारा पीछा छोड़ो, चलो चलते हैं। क्या बात है भुवना, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। क्या बात है, आप भी बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। ऐसी बात है तो मेरे खुश होने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या बात है बताओ ना। ठीक है आप इतना पूछ रहे हैं तो बताती हूँ। मैं जिसे बहुत दिनों से पसंद करती थी आज वो मेरे बहुत नजदीक है। अच्छा आप अपनी बात बताइए। ये एक राज की बात है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने दिल में जो बहुत दिनों से छुपा रखा था आज वो बाहर आने वाला है। कह रहे हैं कि दिल की बात बतानी है और चुप बैठे हुए हैं। क्यों बड़ी जल्दी में हो क्या? जल्दी तो नहीं है लेकिन जरूरत है। मैं अभी बताता हूँ, उठो।